ऑसिलेशन में आज हम लोग देखेंगे डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले हम लोग बहुत सारी बातें सीख चुके हैं, जो कल हम देखे थे वो था आपका स्प्रिंग और पेंडुलम अंडर SHM। आज हम बात करेंगे डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन की। आप समझिएगा कि डैम्प हार्मोनिक मोशन किसको कहते हैं। जब आप किसी को क्या कराते हैं, ऑसिलेट कराते हैं, सिंपली गौर किए होंगे, जब किसी को क्या कराते हैं, ऑसिलेट कराते हैं, तो वो कुछ समय बाद में ऑसिलेट करते 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 क्या होता है, रुक जाता है। रुकता है कि नहीं रुकता है, समझ में आ गया। जनरली आप एक पत्थर को रस्सी धागा पे बांध देंगे, रस्सी से बांध देंगे और उसको इस तरह से ऑसिलेट करा देंगे, उस समय बाद में क्या देखेंगे, उसका जो एम्पलीट्यूड है समय के साथ में क्या होने लगेगी, घटने लगेगी, समझ में आ गया। और एक ऐसा समय आएगा कि उसका एम्पलीट्यूड जीरो तो नहीं होगा लेकिन एकदम जीरो के बराबर हो जाएगा और उसका ऑसिलेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है। तो इस प्रकार का सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, डैम्प हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। बात पकड़ में आया होगा। अब ये रुकती क्यों नहीं है, मतलब क्यों रुकती है, उसका समझिए कारण। जब हम उसको क्या कराते हैं, ऑसिलेट कराते हैं, तो इसके चारों ओर क्या है, सराउंडिंग है, क्या है, सराउंडिंग है, और इस सराउंडिंग पे आपका एयर है, हवा है। जब वो ऑसिलेट कर रहा होगा तो बॉडी हवा के साथ में क्या करता है, फ्रिक्शन करता है, घर्षण करता है कि नहीं करता है, किसके साथ में, एयर के साथ में। और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। क्या मेरा बात पकड़ पाई तुम लोग। ये बॉडी अगर इधर इस तरह से ऑसिलेट किया, यानी कि ये इस डायरेक्शन पे गया, तो एयर का जो मॉलिक्यूल्स है इसके साथ में फ्रिक्शन किस डायरेक्शन पे करेगा, इस डायरेक्शन पे। तो अब जब ये फ्रिक्शन करेगा तो हर बार इसको क्या करेगा, इसका वेलोसिटी को वो स्ट्राइक करने का कोशिश करेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि उसका जो ऑसिलेट वेलोसिटी है उसको क्या कर देगा, पूरी तरह से रोक देगा। कौन, एयर। अगर एयर की जगह में आप पानी में ऑसिलेट कराएं तो वो जल्दी रुक जाएगा। पानी की जगह पे आप हनी ले, हनी समझती है, हनी में डुबो के उसको ऑसिलेट कराएं, वो और जल्दी रुक जाएगा। कारण, क्योंकि सबका विस्कोसिटी क्या है, अलग अलग है, डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। जिसका जितना ज्यादा डेंसिटी उसमें उतना ज्यादा फ्रिक्शन, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना जल्दी वो उसका ऑसिलेट को क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोक देगा। समझ पाई बात को, मतलब कि यहाँ का जो एनर्जी है ऑसिलेट के दौरान, एनर्जी है तभी तो ये ऑसिलेट कर रही है, तो यहाँ का ऑसिलेट का करने का जो एनर्जी है उसको क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स निकाल के बाहर कर देता है। और वो निकलता कैसे है, घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण। अब उसमें एनर्जी बचा नहीं है तो वो क्या ऑसिलेट करेगा, नहीं करेगा। और इस प्रकार का ऑसिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डैम्प कहते हैं। बात पकड़ में आया, तो लिख देंगे, लिखिए, इन डेप्थ ऑसिलेशन, इन डैम्प कंटिन्यूअसली, बात पकड़ी, इन डैम्प ऑसिलेशन, डैम्प ऑसिलेशन में एनर्जी क्या होता है, सिस्टम से निकलते जाता है। डिसिपेट का मतलब होता है निकलना लगातार, कंटिन्यूअसली का मतलब लगातार, वहां से एनर्जी क्या होता है, निकलते जाता है। इसलिए एक समय ऐसा आता है कि वो ऑसिलेट करना क्या होता है, बंद कर देता है, समझी। आप इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल की ओर चलते हैं। ये आपका रिजिड सपोर्ट, ये क्या है, रिजिड सपोर्ट, इस पे हम एक स्प्रिंग को क्या कर देते हैं, हैंग कर देंगे इस तरह से, है कि नहीं। ये आपका स्प्रिंग, स्प्रिंग के लास्ट टर्मिनल पे हम एक ब्लॉक को लगा देंगे,
क्योंकि हम कल जान के रखे हैं कि जहां पे बॉडी का मास नहीं होता है वहां पे ऑसिलेट नहीं होता है। तो यहां पे हम जब क्या लगाएंगे, कोई ब्लॉक लगाएंगे, कोई बॉडी को लगाएंगे, तभी ये क्या कर पाएगा, ऑसिलेट कर पाएगा। समझ पाया, ध्यान से समझिएगा इसको। ये इसका अभी क्या है, मेन पोजीशन, ठीक। ये क्या है इसका, मेन पोजीशन, मेन पोजीशन। अब इसके चारों ओर क्या है, ये यानी कि सराउंडिंग, हम क्या बोल सकते हैं इसको, सराउंडिंग। सराउंडिंग में आपका हवा, पानी, कुछ भी हो सकता है, ये सराउंडिंग मीडियम है। सराउंडिंग मीडियम, बात पकड़ी। अब क्या करते हैं, हम जब इसको पकड़ते हैं और नीचे की ओर खींच देते हैं, ठीक। जैसे ही इसको नीचे की ओर खींचते हैं तो इसमें क्या क्रिएट हो जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। और वो फोर्स इस ब्लॉक को किधर ले खींचने का कोशिश करता है, मेन पोजीशन की ओर। जैसे मेन पोजीशन की ओर पहुंचता है उस समय से इसमें इनर्शिया क्रिएट होता है और मेन पोजीशन पे ना रुक के ये कहां चला जाता है, ऊपर की ओर। फिर ये डिस्प्लेसमेंट यहां से ऊपर की ओर में डिस्प्लेसमेंट बना ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट फिर किधर खींचेगा फोर्स, मेन पॉइंट आने के समय में फिर उसमें इनर्शिया क्रिएट, फिर नीचे। लेकिन इस दौरान इसमें क्या है आपका, सराउंडिंग मीडियम है, और सराउंडिंग मीडियम में यहाँ पे आपका एयर उपस्थित है। बात पकड़ पाई, अब ये जो बॉडी है एयर के साथ में क्या करता है, फ्रिक्शन करता है, घर्षण करता है। और घर्षण जो फोर्स है इसका जो ऑसिलेट डायरेक्शन है उसका अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा घर्षण, समझ में आया। तो धीरे धीरे इसका जो एनर्जी है, कौन सा एनर्जी, ऑसिलेटिंग एनर्जी, उस एनर्जी को धीरे धीरे यहां से लगातार वो निकालते निकाल के क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और इसका जो ऑसिलेटिंग एक ऐसा समय आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इस प्रकार का ऑसिलेटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन या डैम्प ऑसिलेशन कहा जाता है। समझ पाई, जल्दी से फिगर बनाइएगा। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग, स्प्रिंग डिसिपेटेड का क्या मतलब, निकालना। अब बगल में लिख लेंगे, किसको निकालता है, एनर्जी को लगातार निकालता है। क्यों निकालता है, फ्रिक्शन के कारण। किसके किसके साथ फ्रिक्शन होता है, एयर के साथ। अगर यहां पे हम मीडियम क्या ले ले, पानी, तो या और ज्यादा जल्दी क्या हो जाएगा, ऑसिलेट करना बंद कर देगा, क्योंकि पानी के साथ में जब ये ऑसिलेट करेगा तो ज्यादा घर्षण लगेगा। पानी को हटा के हम वहां पे क्या ले ले, हनी ले ले, मधु का रस, उसका विस्कोसिटी ज्यादा पानी से, तो वहां और जल्दी क्या हो जाएगा, डैम्प करना मतलब ऑसिलेट करना बंद कर देगा। समझ पा रही है बात को, तो जो समय के साथ में जो बॉडी ऑसिलेट करना क्या होता है, धीरे धीरे बंद कर देता है। इस प्रकार का ऑसिलेटर ऑसिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं, यानी कि डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। क्लियर, डाउट है। अगर हम अनडैम्प्ड की बात करें, समझिएगा, अनडैम्प्ड की बात करें, अनडैम्प्ड का मतलब समझ में आता है कि वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगने वाला है, मतलब उसमें कोई भी एनर्जी डिसिपेटेड नहीं होगा। मतलब कि जब वो एक साथ फर्स्ट टाइम जिस तरह से ऑसिलेट किया वो उसी तरह से लाइफ टाइम क्या करते जाएगा, ऑसिलेट करते जाएगा। कारण, क्योंकि उसमें हमारा किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अगर हम इसको ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, इसको अनडैम्प्ड का, तो आपको पता है कि ये वाला भाग आपका क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, और इधर का मिनिमम, ये भी मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का। क्लियर, ये रफली हम बना दे रहे हैं आप लोग को समझने के लिए। ये इसका मीन पोजीशन है कि नहीं, ये कैसे ऑसिलेट करेगा, इस तरह से लाइफ टाइम। क्यों, क्योंकि इसका हमारा जो एम्पलीट्यूड है सब जगह क्या है, बराबर है।
ये किसकी बात कर रहे हम लोग? अनडैम्प्ड की। अगर हम किसकी बात करते हैं? डैम्प्ड की बात करें तो ये डैम्प्ड क्या होगा, समय के साथ में ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्लस ए और ये माइनस ए, ए फॉर एम्पलीट्यूड, ये इसका मेन पोजीशन है कि नहीं? समय के साथ में ये क्या होता है, धीरे धीरे कम होगा। समझ पा रही है? होता है फर्स्ट टाइम में तो ज्यादा, फिर फ्रिक्शन जैसे जैसे बढ़ते हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बात पकड़ में आया? तो ये किसका कहानी है? डैम्प्ड की, और ये अनडैम्प्ड की, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन और ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, और ये डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑसिलेशन हो गया। अब यहां पे थोड़ी सी हम बात करेंगे कि ये बात हमको समझ में आई कि यहां पे क्या हो रहा है, एयर के साथ में फ्रिक्शन किया हमारा बॉडी और उसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, धीरे धीरे कम होने लगा, और एम्पलीट्यूड के कम होने से इसका ऑसिलेशन भी क्या होने लगा, कम होने लगा, तो वहां पे क्या लग रहा, एक प्रकार का फोर्स लगा। तो वो कितना फोर्स लगा, मेरा बात पकड़ में आया कि यहां पे जब ये ऑसिलेट कर रहा था तो ये जब सराउंडिंग मीडियम में आया तो एयर के साथ में फ्रिक्शन किया और ये ऑसिलेटिंग के अपोजिट डायरेक्शन पे फ्रिक्शन लगा। फ्रिक्शन क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। तो वो कितना फोर्स लगा कि इसका जो ऑसिलेटिंग है उसको क्या कर दिया, धीरे धीरे कम कर दिया। समझ पाई? इसको हम लोग नाम देंगे डैम्प्ड फोर्स। किसके नाम से जानेंगे? डैम्प्ड फोर्स के नाम से। ये वाला हम मिटा दे रहे हैं। डैम्प्ड फोर्स कितना लगेगा, ये फोर्स ध्यान से समझिएगा। एफ फोर्स के लिए एफ, और डैम्प्ड के लिए डी। एफ डी का मतलब क्या हुआ, डैम्प्ड फोर्स इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? अगर आपका ये ऑसिलेट इस डायरेक्शन पे आ रहा है तो आपका ये यर्थ से फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन पे लगेगा। यही तो हम सीख के आए हैं। अगर इसी डायरेक्शन पे लगता तो क्या होता है, ये और ज्यादा नीचे चला आता कि नहीं आता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है, और अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है इसलिए हम इस पर क्या साइन देंगे, माइनस, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाएंगे भी, और यहाँ पे लगा देंगे भी, भी फॉर वेलोसिटी। यहाँ पे भी क्या है, वेलोसिटी, और भी क्या है, कॉन्स्टेंट। यहाँ पे किसका कॉन्स्टेंट मानेंगे, डैम्पिंग कॉन्स्टेंट। ये कौन सा कॉन्स्टेंट है, डैम्पिंग कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। लिख लिए। थोड़ी सी और बातें कि ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है या डैम्प्ड कॉन्स्टेंट है, ये हमारा जो बॉडी है इसकी साइज पे डिपेंड करता है। किसमें डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। दूसरे चीज विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। विस्कोसिटी का मतलब समझ पाई, हमने क्या कहा कि यहां पे हमने एयर लिया, एयर की जगह में वाटर ले सकते हैं या हनी ले सकते हैं, तो वहां पे आपका ऑसिलेशन जल्दी रुकेगा। तो किसमें डिपेंड कर रहा है, ये विस्कोसिटी में, साइज में, और शेप में भी। इसका अगर हमारा शेप क्या हो जाए, अलग हो जाए, तब भी इसका ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ पाई? तो लिखेंगे, लिखिए, डैम्प्ड कॉन्स्टेंट डिपेंड ऑन, डैम्प्ड कॉन्स्टेंट डिपेंड ऑन, पहला नंबर किसमें डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी, एस होता है ना, विस्कोसिटी। दूसरा शेप, तीसरा साइज ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी,
इसमें निर्भर करेगा। अगर हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करें, किसकी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करें, बात को समझिएगा यहां कि अनडैम्प्ड किस तरह से ऑसिलेट कर रहा था, इस तरह से कंटिन्यूअस लगातार, कहीं पर भी आपका लैगिंग नहीं, जहां से शुरू जैसे शुरू हुआ था वैसे ही लाइफ टाइम। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अनडैम्प्ड की। अगर ये भाग और ये भाग को आप दोनों को एक जगह जोड़ दें तो क्या बनता है, सर्कल है कि नहीं है। अब ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये बढ़ रहा है इस डायरेक्शन पे, तो ये कैसा मोशन कर रहा है, सर्कल में। और सर्कल में जब मोशन करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो ये एक प्रकार का जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रहा है वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी है। समझ में आया, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ए बाय एम, ये फोर अनडैम्प्ड के लिए, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए है। अंडर रूट क्यों लेके लाया, समझ में समझ पाई, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, आधा, हाफ। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये भाग हाफ, इसीलिए रूट लगा, इधर का लेंगे तो पूरा, तो हम केवल हाफ की बात किए यहां से यहां तक की। क्लियर? ये अंडर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर हम किसकी बात करें, डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करें, तो ध्यान से समझिएगा, देयरफॉर अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन में कितना प्रकार का फोर्स लग रहा है, यहां पे दो प्रकार की फोर्स लग रहा है। एक तो आपका जो फोर्स लग रहा है हमने लगाया वो लगाया, और एक दूसरा फोर्स कैसे फोर्स लग रहा है, बीबी लिखे थे अभी, बीबी कैसा फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो ऑसिलेशन के अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है। तो डम्प्ड ऑसिलेशन में टोटल फोर्स कितना, दो प्रकार की, ध्यान से समझिएगा, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स एफ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डैम्प्ड ऑसिलेशन की। एफ इक्वल टू आप क्या जानते हैं, माइनस के एक्स, और एक दूसरा फोर्स क्या था, माइनस बी वी, ये तो अभी पढ़े। अगर हम इसका फंक्शन क्या ले लें, टाइम ले लें, समय के साथ ही तो सब चीज होता है, जब समय बदलेगा तब उसका फोर्स बदलेगा, उसका फ्रिक्शन बदलेगा, उसका ऑसिलेशन बदलेगा, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट। तो क्या यहां पे ये आपका फोर्स है, इस फोर्स के बदले पे आप एमए लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन विद टाइम फंक्शन, टी मतलब टाइम फंक्शन। समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पे, इक्वल टू ध्यान दीजिएगा, माइनस के एक्स, ये भी टाइम फंक्शन, माइनस वी बी, ये भी क्या, टाइम फंक्शन। क्लियर? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ में आ रहा है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको पता है वेलोसिटी, मान के चलिए वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, यह भी टाइम फंक्शन किसके साथ में, टी के साथ में,
तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है बोलिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या, डीएक्स बाय डीटी, ये भी क्या है टाइम फंक्शन में। बात पकड़ में आया मेरा? आप चाहे तो टाइम को हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही का वही निकलेगा। लेकिन यहाँ पे टाइम लगाने का क्या मतलब है कि सभी चीज समय के साथ ही हो रहा है, ये टी ये चीज को इंडिकेट करता है ना। ये आपका क्या निकला, वेलोसिटी। अगर हम इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी किस में बदल जाएगा, एक्सेलरेशन पे बदलेगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आप लोग अभी 11th क्लास में डबल डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े हैं डबल डिफ्रेंशिएशन? डबल डिफ्रेंशिएशन, ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन, फोर्थ टाइम डिफ्रेंशिएशन, ये तो हमारा केवल कितना है, एक टाइम डिफ्रेंशिएशन हुआ है। समझ में आ गया? तो इसको हम क्या करते हैं, दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका क्या वैल्यू बनने वाला है ये हम पूछें, बताइए। नहीं समझ में आता है, ध्यान से समझिएगा, फिर हम इसको समझा देते हैं। अगर हम इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको इसी को, तो हमको क्या वैल्यू मिलने वाला है बताइए, डी एक्स स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर। ये कहां से आया पता चला आपको, पता चला या नहीं चला, ये मेरे सवाल है। नहीं पता चला, चलिए यहां से समझिएगा। ये बात आपको पता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इतनी सी बात आपको समझना आता है, क्लियर। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, तो क्या आप लिखेंगे, डी वी बाय डी टी, क्लियर। डाउट है कहीं पे? और आगे आइए, डी तो आपका डी ही रहेगा, बाय क्या है, डी टी। ये देखिए भी दिखाई देता है आपको, ये भी क्या है, भी, भी के जगह में आप लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, डी और डी, डी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? और एक्स बाई डी टी इंटू डी टी, डी टी स्क्वायर, यही तो लिखे, वैसे ही लिखा जाता है। बात पकड़ा? ये डी टी तुम्हारा टाइम ही तो केवल है, कि डी अलग है टी अलग है, बताओ हमको, डी अलग है और टी अलग है, यहां पे अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम का स्क्वायर। अब बात समझ में आया, यही चीज हमने यहां पे लिख के रखा, तो ये आपका डायरेक्टली क्या निकलता है, एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। हमने डी डी बाई डी टी लिया, भी जो है भी का वैल्यू को यहां पे रख दिया, और ये वैल्यू हमको निकल के आती है, इसको कहते हैं डबल डिफ्रेंसिएशन। हा हा, उसका आगे निकाल सकते हैं, चार बार भी निकाल सकते हैं, ये जिनका मैथ है ना, जब 12th क्लास आएंगे तो ये डबल डिफ्रेंसिएशन से पाला पड़ने वाला है। और क्या है ये आपका एम ए, चलिए इसको एम ए, टाइम फंक्शन टी, माइनस में है, इसको हम इधर लेके लाएंगे तो प्लस, क्या हो जाएगा के एक्स टाइम फंक्शन के साथ, ये भी आपका माइनस है, उसको भी उधर लेके जाएंगे तो प्लस, भी भी टाइम फंक्शन के साथ इक्वल टू जीरो। हो गया, दिस इक्वेशन ब्लॉक का मतलब समझ में आया, यहां पे जो नीचे हम लगा के रखे थे बॉडी ब्लॉक, द इंफ्लुएंस
द इन्फ्लुएंस ऑफ द फीच प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी समझ में आ गया। यहां पे टोटल फोर्स कितना लगता है हमारा, देखिए टोटल फोर्स F के बराबर माइनस के एक्स माइनस वी बी, सबको हम इधर लेके लाए, तो जब हम इधर लेके लाए तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, जीरो हो गया, और जीरो होने का मतलब समझ में आता है कि उसका ओसिलेटिंग रुक जाएगा। बात समझ में आया, ये चीज को दिखाया ये, और वही बातें को हम यहाँ पे एक लाइन दो लाइन पे लिख दिए हैं। अगर जीरो नहीं होता फोर्स तो वो ओसिलेट करते रहता, लेकिन जीरो हुआ मतलब उसका ओसिलेशन रुक जाएगा, और इस प्रकार का ओसिलेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डैम्प्ड ओसिलेशन कहते हैं। क्लियर? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यही जो इक्वेशन है इसको हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पे कंफ्यूज में डाल सकता है आप, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब जानते हैं x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, अगर आपका कोई फेज है तो आप प्लस फाई लिख सकते हैं। ये इक्वेशन याद आया, x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। अगर हम इसको इस डैम्प्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयर करके लिख दें तो वो कुछ इस तरह से इक्वेशन सामने आता है। ये t का मतलब समझ में आता है, ये t आपका केवल टाइम फंक्शन को दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है टाइम फंक्शन को, इक्वल टू ध्यान से देखिएगा a e माइनस vb बाई 2m। एक जगह में हम इतनी सारी बातें लिखें, हम बताएंगे ये क्यों लिखा गया, समझिएगा एक बार फिर से। ये इक्वेशन आपको पता है, x की जगह में हमने क्या लिखा, xt, a क्या था यहाँ पे एम्पलीट्यूड, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड, डेम्प का एम्पलीट्यूड समय के साथ में क्या हो रहा है, घट रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, सीधे घट रहा है, घटते घटते जीरो के बराबर चल रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड के जगह में हमने क्या लिखा, ए ई माइनस वी बी बाई 2m। फिर आपके पास में क्या है, ध्यान से देखिए, cos है और ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। ओमेगा डैश क्यों लिए समझ में आ गया, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, किसका, डेम्प्ट का फ्रीक्वेंसी, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए पहचानने के लिए हम यहां पे क्या लगा दिए हैं, डैश लगा दिए हैं, ओमेगा डैश लगा दिए। नोट किए इसको, बता रहे हैं पहले नोट कीजिए इसको, आप कर लिए, चलिए ध्यान से समझिएगा, ये किसका इक्वेशन बना हमारा, डैम्प ओसिलेशन का। डैम्प ओसिलेशन में क्या होती है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है समय के साथ में क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है, और एक ऐसा टाइम आता है जहां पे उसका ओसिलेशन यानी कि एम्पलीट्यूड जीरो के बराबर हो जाता है। समझ में आ गया, अब जीरो के बराबर होता है इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये अपर भाग में क्या है, माइनस में है, समझिएगा, तो अगर हम ए के बाई में लेके लाएं इसको तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। बदला कि नहीं बदला, बात पकड़ रही है तो चलिए ध्यान दीजिए, इधर एक्स टी इक्वल टू ए ई बाई, आप ये माइनस में है, नीचे आएंगे तो क्या हुआ, प्लस, क्या हो गया, वी बी बाई टू एम कोस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। क्लियर? ये एक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट, अब ये इसका इन्वर्सली हुआ, बताइए हमको, उल्टा,
उल्टा का मतलब नहीं समझ में आता है, उल्टा का मतलब नहीं समझ में आता आता है, बाई में जो होता है उसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये आपका भी यानी कि भी क्या था, वेलोसिटी, और भी क्या था आपका कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। ये आप इसका उल्टा हो गया, डिस्प्लेसमेंट का उल्टा हो गया, समझ में आ गया। अगर इसको बढ़ाएंगे किसको, डिस्प्लेसमेंट को, तो इसका ये जो क्या क्या होना होगा, इसको घटना होगा, और इतना हद तक घट जाएगा कि एक समय में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझी। ये चीज, ये इक्वेशन यहाँ पे इसके साथ में कंपेयर करके लिख दिया गया, क्लियर। चलिए सीधी सी समझिएगा, यहां पे ये ए डैश, ए डैश का मतलब हुआ एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ए डैश का मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, हम लिख देते हैं यहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये यहां पे ए है, मतलब ये डैम्प को नहीं दिखा रहा है, सिर्फ एम्पलीट्यूड को दिखा रहा है, लेकिन ए डैश लगाए उसका क्या मतलब, वो अब डैम्प्ड का ऑसिलेशन को दिखाएगा। तो ये डैम्प्ड का ऑसिलेशन ए डैश किसके बराबर हो गया, आप तो बताइए किसके बराबर है, ए ई माइनस वी बी बाय टू एन के बराबर। ये देखिए बात पकड़ में आया, ये आपको ए दिखाई देता है, ए के स्थान पे इस वैल्यू को रखिए, अब आपका यही वैल्यू ये पूरा बन जाएगा। देखिए नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिए, ए डैश है आपका, ए डैश इसके बराबर, ए ई माइनस बी बी बाई टू एम के बराबर। ये किसका ऑसिलेशन को दिखाया, ये एम्पलीट्यूड का डैम्प्ड ऑसिलेशन, समझ में आ गया, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन को। अगर ये ए का वैल्यू आपका ए ई माइनस बी बी बाई टू एम हुआ, तो ए के स्थान पे ये टोटल वैल्यू को आप रख दीजिए, आपको अपने आप ये इक्वेशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्लियर। चलिए थोड़ी सी और हम आगे बात करेंगे, देयरफॉर एनर्जी, एनर्जी इस रिप्रेजेंट कर देते हैं किसका, डैम्प्ड, सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन, दोनों एक ही चीज होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलिए या ऑसिलेशन बोलिए, उसका एनर्जी E इक्वल टू, आपको पता है, बोलिए 1 बाई टू, निकाल के रखे हैं, पढ़ के रखे हैं आप, 1 बाई टू के एक्स स्क्वायर होता है, पढ़े हैं 1 बाई टू के एक्स स्क्वायर। ये किसके लिए बना, डैम्प के लिए, और अनडैम्प के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा, दिमाग को लगाइए, ये डैम्प के लिए, डैम्प का एम्पलीट्यूड समय के साथ में जीरो होती है, घटती है, लेकिन अनडैम्प का एम्पलीट्यूड क्या समय के साथ में बदलता है, नहीं बदलता है। तो ये किसका एनर्जी है, डैम्प का, डैम्प ऑसिलेशन, समझिएगा। और E इक्वल टू 1 बाई टू के ए स्क्वायर, ए, ए फॉर एम्पलीट्यूड, किसका एम्पलीट्यूड नहीं बदलने वाला, अनडैम्प्ड का, तो ये अनडैम्प्ड का एनर्जी हुआ, ये किसका एनर्जी हुआ, अनडैम्प्ड का, यही अंतर है, क्योंकि डैम्प्ड में हमारा एम्पलीट्यूड नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ में क्या हो जाता है, वो खत्म, जीरो के बराबर चल जाता है, जबकि अनडैम्प्ड में एम्पलीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हम फिगर बना के रखे हैं फर्स्ट में, इसलिए यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर, यही फर्क होता है दोनों में। हो गया, और समझिएगा बात को, देयरफॉर ई डैश, सिर्फ समझने के लिए, यही ई डैश, ई को हमने क्या लिख दिया, ई डैश इक्वल टू 1 बाई
टू, क्या है आपके पास ए, ये क्या है एम्पलीट्यूड, किधर है एम्पलीट्यूड, ये है नहीं है, है। तो क्या आप एक जगह में इस वैल्यू को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिखिए ये किसके लिए था, डैम्प्ड के लिए था ना, देखिए लिखे है ना एम्पलीट्यूड और डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो एक जगह में क्या लिखने वाले हैं हम, ए माइनस बी भी बाई टू एम, स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। बात समझ में आया, डाउट है, तब e डैश इक्वल टू वन बाई टू के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी बी बाई एम, ये स्क्वायर से ये टू कट जाएगा, स्क्वायर है तो टू सबके लिए है कि नहीं है, नहीं समझ में आया, के का स्क्वायर तो नहीं है हम लोग का में, हाँ नहीं, ये के हमारा के है, ये ए का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और ये टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसल। ये क्या निकला आपका, टोटल एनर्जी इन डैम्प्ड ऑसिलेशन, लिख दीजिए नीचे, टोटल एनर्जी इन डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ये वाला, ये क्या है यहां पे, कौन सा कॉन्स्टेंट, जल्दी बोलिए, ये यहां पे क्या है, फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है, जिसको हम स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं, ए क्या है यहां पे एम्पलीट्यूड, यहां पे भी क्या है डैम्पिंग कॉन्स्टेंट, भी क्या है वेलोसिटी, एम क्या है मास ऑफ ब्लॉक या मास ऑफ बॉडी। इस तरह से हमारा डैम्प ऑसिलेशन का टोटल एनर्जी निकलता है, क्लियर? यस।